और अब बात करते हैं मार्केट की। आरबीआई के ब्याज दरों में कटौती नहीं करने से बाजार को झटका लगा है। आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई और पॉलिसी से पहले बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा था। पॉलिसी के बाद बाजार में गिरावट बढ़ी और कारोबारी सत्र में निफ्टी 8100 के नीचे भी फिसल गया। हालांकि कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 8100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत जुड़े हुए हैं। रजत, बताइए आज के कारोबार के बारे में। जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि 8200 के लेवल के बेहद नजदीक पहुंच गए थे और उम्मीद ये थी कि 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट होगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी इशारा कर रही थी कि आज रेट कटौती होगी, लेकिन आरबीआई गवर्नर ने चौंका दिया और कोई रेट कटौती का अनाउंसमेंट नहीं था। ब्याज दरें स्थिर रखी और इम्पैक्ट देखिए, जैसी अनाउंसमेंट आई उसके बाद बाजार जो तेजी के मोड पर था दिन के निचले स्तर पर पहुंच गया और 8100 के लेवल को वायलेट कर दिया। हालांकि निचले स्तर कुछ रिकवरी, 8100 के लेवल के ऊपर क्लोज करके गया बाजार, लेकिन ओवरऑल अभी सेंटिमेंट वीक हुआ है। निफ्टी बैंक जहां पर सबसे ज्यादा डेंट पड़ा आरबीआई पॉलिसी का, वहां पर बिकवाली साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रही थी आरबीआई पॉलिसी के बाद, और यहां पर बिकवाली ही देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स पे जहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट आज के सत्र में पड़ा, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स उसमें सन फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स शामिल थे। सन फार्मा तो सुबह से कमजोर था और 5% गिरकर बंद हुआ, क्योंकि हलोल यूनिट पर यूएसएफडीए ने फॉर्म 483 जारी कर दिया, तो उसका एक इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पर देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक्स थे जहां पर खरीदारी थी निफ्टी पे, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक पे आज पकड़ मजबूत थी। इसके अलावा बीपीसीएल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अदानी पोर्ट, आईडी सेलर, एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स मजबूत थे। जो मैं बात कर रहा हूं आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की, उम्मीद थी कि ब्याज दरें घटेंगी, कुछ ईएमआईएस का बोझ कम होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ और बैंकिंग स्टॉक्स टूट गया। आज बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स वीक पड़ते हुए नजर आए। रियल्टी स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा असर होता है ब्याज दरों का, वहां पर बिकवाली हावी होती नजर आई और लेटर हाफ में, क्योंकि शुरुआती सत्र में तेज थे लेकिन लेटर हाफ में फिसल गए स्टॉक्स। एचडीआईएल, डीएलएफ, अनंतराज जैसे स्टॉक्स में बिकवाली थी। दो पॉकेट्स जहां पर आज खरीदारी के सौदे ज्यादा पड़ते हुए नजर आए, उसमें पहला था सरकारी कंपनी एमएमटीसी, एचएमटी, आईटीआई, एससीआई, हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स में मजबूत पकड़ थी, और साथ ही साथ जो दूसरी पॉकेट जहां पर आज के सत्र में खरीदारी बनी उसमें तेल गैस शेयर जैसे कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स थे। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी में जहां खरीदारी बन रही थी उसमें आर्चीज, टीजीबी बैंकेट्स, कोहिनूर फूड जैसे स्टॉक्स शामिल थे। लेकिन ओवरऑल आरबीआई पॉलिसी के बाद प्रेशर ज्यादा बाजार पर बनता हुआ नजर आया और 8100 के लेवल को अब कल होल्ड करेगा बाजार तो ठीक, नहीं तो बिकवाली और बढ़ सकते। शुक्रिया रजत आपका इन तमाम जानकारियों।